गोरखपुर के नवागत एडीजी जोन के एस प्रताप ने कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात प्रेस वार्ता कर मीडिया कर्मियों से रूबरू होते हुए कहा कि चिन्हित माफियाओं पर शिकंजा कसा जाएगा, महिलाओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी। उन्होंने कहा कि फरियादियों की शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण कराया जाएगा, साथ ही अपराधियों पर नकेल कसने को लेकर वृहद अभियान चलाया जाएगा। एडीजी जोन के एस प्रताप ने बताया कि सीमावर्ती इलाकों की निगरानी तेज की जाएगी। एडीजी जोन लेवल पर जन सुनवाई पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया गया है। प्रेस वार्ता के दौरान आईजी रेंज जे रविंद्र गौड़, एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर, एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई सहित अन्य अधिकारी और कर्मचारी गण मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए नवागत एडीजी जोन के एस प्रताप ने कहा, गोरखपुर पुलिस जोन का प्राथमिकताओं में माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई, महिलाओं का सम्मान सुरक्षा, अपराध को रोकना, अपराध का अन्वेषण और अपराध का नियंत्रण, ये हमारे प्राथमिकताओं में शामिल है। जन सुनवाई पर भी गोरखपुर के पूरे जोन के अधिकारी ध्यान देंगे और इस पर भी ध्यान देंगे कि कोई निर्दोष व्यक्ति को छेड़ा न जाए, परंतु दोषी व्यक्ति को छोड़ा न जाए। जन सुनवाई के तहत यह सुनिश्चित करें कि गुणवत्ता पूर्वक उनकी समस्या का निराकरण हो। जो भी व्यक्ति थाने पर आता है, उनको सम्मान पूर्वक, सहानुभूति पूर्वक, संवेदनशीलता से उसकी समस्या सुनी जाए और तथ्यों के आधार पर, साक्ष्यों के आधार पर सही उसका निराकरण हो। भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है, किसी भी प्रकार का इस तरह का कृत्य अक्षम्य होगा। अंत में हम यही कहना चाह रहे हैं कि अपराध और अपराध से जुड़े हुए सभी तत्वों के खिलाफ पुलिस की सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। धन्यवाद। ऑपरेशन त्रिनेत्र एक बहुत महत्वपूर्ण अभियान है और इस अभियान के तहत प्रतिदिन कैमराओं की संख्या बढ़ती जा रही है। जैसे कि एक ही दिन में कल 500 से ज़्यादा कैमरा लगाए गए हैं और निश्चित रूप से यह अभियान अपराध नियंत्रण में बहुत लाभकारी साबित हो रहा है। भारत और नेपाल सीमा एक महत्वपूर्ण हमारा कार्यक्षेत्र का एक बिंदु है और इस सीमा पर सतत सतर्कता, असामाजिक तत्व, शरारती तत्व, अतिक्रमण, इन सब के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए वहाँ विभिन्न आउटपोस्ट बनाए गए हैं और इस पर खास ध्यान हमारे जो बॉर्डर के जिले हैं उनके पुलिस द्वारा खास ध्यान देकर प्रभावी कार्रवाई इस संबंध में अमल में लाई जाएगी।